अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को पूरा करने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने डेडलाइन तय की है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बनाने को लेकर डेडलाइन तय कर दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो कई सारी सड़कें ऐसी हैं जो मौसम के कारण ध्वस्त हो गई है, और लैंडस्लाइड की वजह से कई सारी सड़कें जो है खराब हो चुकी है, और अब जो है केंद्र सरकार ने सड़कें सही करवाने की डेडलाइन तय कर दी गई है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है जिसके चलते डेडलाइन समय पर पूरी हो सके? देखिए, ये ऐसी योजना है जिसमें केंद्र राज्य सरकार दोनों के सहयोग से, दोनों के संयुक्त रूप से इस योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के कार्य हैं वो, और जो केंद्र सरकार ने भी अब इसमें चूंकि एक समय सीमा तय कर दी है, लिहाजा राज्य सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए अलग अलग समय पर जो कार्य देखने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, अधिशासी अभियंता हैं, तीन ऐसे नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है जो शासन के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे, और ये जो क्रम है रिपोर्ट देने का ये लगातार जारी रहेगा कि प्रत्येक दिन के लिहाज से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कैसे जो ये कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, और कहीं पर किस स्तर पर अड़चन आ रही है तो उनका समाधान कैसे शासन स्तर पर किया जा सकता है। तो ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि जो केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के कार्यों को लेकर के जो एक समय सीमा तय की है, इस समय अंतराल के दौरान जो है वो राज्य सरकार के तमाम जिम्मेदार अधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी वो इसको पूरा कर लेंगे। जी सोनू, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां केंद्र सरकार की सड़क योजना को लेकर डेडलाइन जारी कर दी गई है।